बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखिए मैडम। अब आप पहले ही संक्षिप्त बोले, हमारी पार्टी से तो बोले ही दो लोग हैं। माननीय सभापति जी, त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन पेश किया है। मैं उसके लिए समर्थन में खड़ी हुई हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से कुछ जातियां पिछड़ रही हैं। हमारी सरकार उन सभी जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु संविधान में संशोधन करती आई है। संशोधन के साथ साथ विगत समय अरुणाचल में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी संशोधन हुए और आज त्रिपुरा में कुकी जाति समुदाय के जनजाति के भाइयों को आज 9वीं सूची में जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहूँ कि ये भूली बिसरी जातियां जिस तरह से जल, जंगल और जमीन के अंदर अपना गुजर बसर करती रही हैं, उसी संदर्भ में आज हमारे मंत्री जी, जनजातीय मंत्री अर्जुन जी भाई बहुत अच्छा विधेयक त्रिपुरा के लिए लेकर आए हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, ये हमारी सरकार सदैव करती आई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आपको ध्यान होगा कि हमारे मंत्रालय अलग हुए, हमारे आयोग अलग हुए, ताकि हमारी जनजातियों के बारे में सही सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता बना। और इसके बाद मैं माननीय सभापति जी ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सदन में कुछ भाइयों ने, विद्वान साथियों ने इस बिल में राजनीति को जोड़ा है, जबकि राजनीति को जोड़ना तो इन्हीं का कर्म था, क्योंकि ST SC दोनों को केवल कांग्रेस की सरकार वोट बैंक मानती थी और वोट बैंक मानने के कारण ही न हमारा विकास हुआ, न हमें किसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ। आज भी जिन राज्यों के अंदर ये सरकारें हैं, उन राज्यों में जनजातियों पर होने वाले भारत सरकार के बजट को खर्च नहीं किया जाता। भले ही आप राजस्थान को देख लें, भले छत्तीसगढ़ को देख लें या भले ही अन्य राज्यों को देखें, महाराष्ट्र को भी देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी विसंगति मिलेगी। मैं माननीय आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे बारे में घृणित सोच बनी हुई है कि केवल वोट बैंक के लिए हमको पूछा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर सवर्ण जातियों को भी 10% आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में इस तरह की सरकार है जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को ही वोट बैंक मानती है, तो उनका पूरा बजट का की समीक्षा होनी चाहिए। त्रिपुरा में आज कुकी भाइयों को, इस जाति को जो सम्मान मिलेगा, जो इनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन का साधन मिलेगा, इनको एक दर्जा मिलेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल के बारे में सबको मन से सहमत होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहूंगी कि एक समय था जब हम, आज भी मैं कहूंगी कि कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट निठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसी कवि ने गलत नहीं कहा। आज भी दूरस्थ, दुर्गम और जंगल के क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो हमारे जनजाति भाइयों का ये हाल है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने फिर एक बार ललकार दी है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ एक दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जलाएं। लेकिन मैं इसके साथ एक सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगी कि जो लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके आरक्षण के सारे लाभ बंद खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि वो दोहरा लाभ लेते हैं और दोहरा लाभ लेने के कारण हमारी जनजातियों की असली जो जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिलता। धन्यवाद।